अभी एक बहुत ही जरूरी चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये सारी गाड़ियों में है जितनी BS6 आई है ना अपाचे 2V, इसलिए यही सब फोटो वीडियो कुछ कुछ पिक है जो मैंने लेके रखा था प्रूफ के लिए, ताकि मैं एवरीवन वेलकम टू द TS गियर्स। आज अपने सामने है अपनी अपाचे 160R 2V BS6 FI जो है, कार से मैं इसे ब्लैक पैंथर बोलता हूँ। तो ये जो है अभी किलोमीटर्स ड्रिवन हो गई है 25,000। 25,000 पे मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंस रहा इसको लेके, क्या क्या एक्सपीरियंस आया, क्या प्रोज है कौन से, वो सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक एक चीज़ डिटेल में। ये आप लोग देख ले कितनी चल गई है गाड़ी, 24,991, मतलब 8-9 किलोमीटर जैसे बाकी है 25,000 कम्प्लीट होने में। तो मैंने सोचा इस पर क्या क्यों ना एक वीडियो बना दूँ, बाकी गाड़ी आप लोग एक बार देख लें। गाड़ी 3 साल की हो गई है, 3 साल प्लस ही हो गई है 1-2 महीने। टायर्स की कंडीशन इसके देख ले आप लोग, टायर्स ठीक है बट इसमें 11 पंचर होने के चलते इसको अभी चेंज करना पड़ेगा, वरना ये चलता वो मैं संभाल नहीं पाया। चलिए देखते हैं अभी मेरे साथ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो इस बाइक को लेके सबसे पहली चीज कि इसमें खराबी क्या क्या है, फिर इसकी अच्छाइयाँ भी हम लोग जान लेंगे। तो इसकी सबसे पहला और सबसे बड़ा खराबी जो मुझे पहले नहीं लगता था, क्योंकि पहले मेरे को आदत नहीं था, लेकिन अब मैं दूसरी बाइक चलाता हूँ और फिर ये चलाता हूँ तो पता चलता है कि सबसे बड़ा चीज़ इसके वाइब्रेशन, इसके वाइब्रेशन इतने हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और जब भी ये बाइक आप स्पीड में लेके जाओगे ना, तो इससे मिरर्स किसी काम के नहीं, ये झूल जाएंगे या हिलेंगे वाइब्रेट करेंगे, तो उसमें कुछ फायदा नहीं लगता है। जरा आप नजदीक में लेके आइए। और इसके चेन सेट से हमेशा इसके ओरिंग से आवाज आते रहता है, पता नहीं क्यों, इसका क्या बीमारी है। मैं नया चेन सेट भी डाल के देख लिया हूँ, फिर भी इसका आवाज आना तो लाजमी है ही। और दूसरी चीज की इन्होंने पता नहीं क्या दिया हुआ ये फुटरेस, ये सारी गाड़ी में लेडीज लोगों का फुटरेस हमेशा हिलता ही रहता है, पहले दिन से ही हिल रहा है, और भी मैंने एक दो बाइक देखी उसमें भी हिल रहा है। तो एक चीज तो ये हो गया, इन लोगों का टायर एकदम खत्म टायर है 25,000 पे, बताइए ऐसा होना चाहिए। खैर वो तो चलो हमारी गलती है, पंचर है इसलिए हुआ है। दूसरा इसका सर्विस कॉस्ट ठीक ठाक आता है, हमेशा 1,000 रुपये के अंदर आते रहता है। जो हो गया इसका मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट जो है हमेशा 1,000 रुपये के अंदर आया है। कुछ खास चीज़ें अभी तक इस बाइक में मेरे को नहीं डालनी पड़ी है, बस थोड़ा बहुत क्लच प्लेट, ये डिस्क पैड्स डालना पड़ा है मेरे को, वो भी बारिश वारिश में ख़राब हो जाता है। तो जरा आप नज़दीक में लेके आइए। और ये सबसे गंदी चीज़ इसकी, पहले वाली जो अपाची थी वो टॉप स्पीड जाती थी 131-132, ये वाली 118-119 पर जाके रुक जाती है, ज़्यादा कोशिश करोगे तो 20-21 जाएगी। ये एक इसको मेरे को खराबी लगा। इसका अच्छा चीज़ यही है कि इसका सीटिंग पोस्चर बढ़िया है, माइलेज ठीक देती है, 40 तो दे ही देती है, आप किसी भी कंडीशन में इसको राइड करो। इसके इंजन का साउंड बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, अभी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये सारी गाड़ियों में है जितनी BS6 आई है ना अपाचे 2V, सारी गाड़ियों में, कि आप इधर लाइए ज़रा, जैसे आप बाइक स्टार्ट करोगे, बाइक स्टार्ट हो गई कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी जैसे आप क्लच लोगे गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखिए मेरी अभी नहीं हो रही है, मैं चलाऊं या कुछ भी करूं मेरी गाड़ी भी बंद नहीं हुई। बीच में मेरे गाड़ी के साथ ऐसा कंडीशन हो गया था कि मैं सेल्फ ले रहा था, सेल्फ लेते ही स्टार्ट होते ही गाड़ी बंद, क्लच लगा गियर डालते ही गाड़ी बंद, चला रहा हूं कहीं भी ब्रेकर आया टर्निंग आया गाड़ी बंद। मैं इस चीज से इतना इरिटेट हो गया कि मैं क्या बताऊँ। तो हमने पहले ये फ्यूल पम्प खोल के देखा, FI का जो सिस्टम है उसका जाली गंदा था, वो साफ किया हमने, फिल्टर अलग से मिलता नहीं है, वो साफ करके डाला तो थोड़े देर ठीक रहा, फिर वही बात, उसमें 3 फेज होता है वायर का, वो भी टाइट किया फिर भी वही बात। फ्यूल पंप ही हम लोगों ने चेंज कर दिया, 6-7 हज़ार रुपये का आता है। उसके बाद से पता चला कि इसके थॉटल बॉडी में जो कार्बोरेटर होता था पहले गाड़ी में, उसके जगह यहाँ पे थॉटल बॉडी दे दिया गया, तो उसको साफ करके देखा गया, फिर भी वही बात, गाड़ी बंद ही हो रही है। तो अभी हमने उसको भी चेंज किया है, पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेंटेटिव है ये भी, लेकिन अभी भी हम कन्फर्म नहीं कि क्या है क्या नहीं। बाकी गाड़ी मेरी 5-6 दिन से ठीक चल रही है, मैं वो आप लोगों के साथ अभी क्लिप शेयर कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लें।
लिए यही सब फोटो वीडियो कुछ कुछ पिक है जो मैंने लेके रखा था प्रूफ के लिए, ताकि मैं किसी को दिखा सकूं। और दूसरी बड़ी चीज कि इसका ये पता नहीं इसके डिस्क ब्रेक का क्या है, 12-15 हज़ार रुपये खराब हो गया था ये, ऐसे लेने पे धीरे 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 हो रहा था, अभी तो बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था, अभी फिर से इसमें ये प्रॉब्लम आने लगा है। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या दिक्कत है क्या नहीं है। जो भी ओवरऑल इसके पहले जो अपाची थी उससे मैं इतना वो दुखी नहीं था, अभी इससे थोड़ा बहुत मैं दुखी होने लगा हूँ, क्योंकि आप बताओ यार, 3 साल की गाड़ी हुई, 6 हज़ार का फ्यूल पम्प, 6 हज़ार का थर्टल बॉडी, और जो इधर उधर इसका एक थर्मल सेंसर इधर आता है, जरा लाइए इधर लाइए, अगर आप लोगों को दिख पा रहा हो, ये गोल्डन कलर का ये जो नया दिख रहा है ना, ये इसका एक थर्मल सेंसर है जो सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करने पर आरपीएम मेंटेन रखता है। बाइक जैसे स्टार्ट करता था ना मैं, 5000-6000 आरपीएम पे चली जाती थी, मतलब इतना इरिटेटिंग हो गया कि मैं समझ बता रहा हूँ, मैं इसको सेल आउट करने के मूड में आ गया था कि ना ही भाई अब इसको सेल कर देते हैं, देखेंगे कुछ दूसरी लेंगे, पर चलो अभी ठीक चल रही है, सब कुछ अच्छा है। तो 25,000 किलोमीटर में मेरा इसका यही रहा है, अलग से जो मैंने यही डाला है 12-15 हज़ार का ये सेट, FI फ्यूल पम्प, चेन सेट डाला हुआ है एक बार, क्लच प्लेट एक बार बदला हूँ, अभी इसमें टायर डालना है, टायर डाल दूंगा तो ये अभी खर्चा है, अभी भी कुछ चेन सेट फिर डालना होगा, ये भी खत्म हो गया है, लाइए जरा 1,500 का ये, 3,000 का ये, 4-4.5 हज़ार का अभी भी मेरे को कुछ इसमें दिख ही रहा है, वैसे तो कमी होता नहीं है, कुछ भी डाल दो इसमें साला पूरा होगा ही नहीं। मेरे साथ यही रहा, अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ है तो बताएं। और हाँ, मैं तो भूल ही रहा हूँ, इसके हैंडल में पहले कुछ वॉबल का प्रॉब्लम आ गया था, जैसे एक हाथ छोड़ो या एक हाथ से कभी कभी ड्राइव राइड करो तो हिलने लगती थी, हाथ छोड़ो हिलने लगती थी, उस चीज़ के लिए मैंने बोलेसर चेंज करवा दिया, इसका एक बोलेसर सेट आता है अंदर यहाँ पे, वो सब चीज़ चेंज करवा दिया, और कितने का पड़ा था मेरे को, 500-600 का कुछ ऐसा, तो वो मेरा तो ठीक हो गया, बाकी देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं। इंजन लाइट भी आने लगा था वो FI के चक्कर में, वो भी ठीक हो गया। कुल मिला के यही बात है, अगर आपको वाइब्रेशन इसके टायर और इसके चेन का नॉइज और इसके गाड़ी का जो बंद होने का रीज़न है, अगर ये सब सारे प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल जाएं इस गाड़ी को ले, अच्छी है, माइलेज ठीक है, फैमिली बिठा सकते हैं, बाकी कुछ हो तो मैं बताऊँगा। चलिए ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं।